फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फराली डोसा, जिसे हम उपवास में खा सकते हैं। और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1/4 कप साबुदाने, 1 कप मुरैयो यानी कि उपवास के चावल और इसे गुजराती में सामो कहा जाता है, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज बारीक कट किए हुए, जीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और घी। कुछ लोग उपवास में हरा धनिया और अदरक नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। हमने साबुदाने और मुरैयो को 6-8 घंटों के लिए भिगो के रखा था। अब हम इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। बैटर को ग्राइंड करने के बाद हम एक इसे बड़े से बाउल में निकालेंगे। और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। लेकिन डोसे बनाने के लिए हमें बैटर रवे डोसे के बैटर की तरह लिक्विड ही चाहिए। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और हमारा बैटर ऐसा होगा। अब हम बैटर में ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें से डोसे तैयार कर लेंगे। डोसा बनाने के लिए पैन को हम एकदम तेज आंच पे गरम होने रखेंगे। जब पैन गरम हो जाए तब हम उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। और तेज आंच पे ही हम डोसे के बैटर को स्प्रेड करेंगे। और आंच को अब हम धीमा कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे डोसे जालीदार और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम डोसे के ऊपर घी अप्लाई करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और डोसे को गोल्डन होने तक कुक करेंगे। हमारा डोसा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसे कुक होने में 3-4 मिनट लगेंगे। पराली डोसे को पीनट चटनी के साथ सर्व करें। पीनट चटनी की रेसिपी आप मेरी चैनल पे देख सकते हो। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।